Okay, the next of the topic is about sharing of charge. Let us have the two charge conductor having the charge is a Q1 and Q2. ठीक है, आपके पास दो एक डिवाइस है तो दोनों डिवाइस का चार्ज भी डिफरेंट डिफरेंट होगा और दोनों का पोटेंशियल भी डिफरेंट डिफरेंट होता है और दोनों का कैपेसिटेंस की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट होती है. ठीक है, आपके पास टू एक कंडक्टर है तो दोनों का चार्ज यहाँ पे Q1 एंड Q2 दे रखा है और पोटेंशियल V1 एंड V2 एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू C1 एंड C2 इज रिस्पेक्टिवली. इफ दे आर द जॉइनिंग टूगेदर बाई मीन्स इन द कंडक्टिंग वायर, जैसे कि यहाँ पे आपको एक टू कंडक्टर दिया रखा है, एक स्फेरिकल कंडक्टर दिया रखा है और दोनों का कैपेसिटेंस की वैल्यू C1 एंड C2 है, दोनों को आप कंडक्टेड कर रहे हो एक एक कंडक्टिंग वायर से, तो आपका चार्ज का फ्लो होगा कहाँ से कहाँ तक चार्ज का फ्लो होगा. देखो यहाँ पे एक पोटेंशियल की वैल्यू है V1 और दूसरे की पोटेंशियल की वैल्यू है V2 और यहाँ पे चार्ज स्टोरेज हुआ है Q1 और यहाँ पे चार्ज स्टोरेज हुआ है Q2, बट इस पोटेंशियल इज V1 इज ग्रेटर देन टू V2. इसका मीनिंग ऐसे हुआ कि जो फर्स्ट वाला डिवाइस है उसका पोटेंशियल हायर है, इस पोटेंशियल इज हायर एंड दिस पोटेंशियल इज लोअर, सो दैट योर चार्ज इज अ फ्लो इज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा ही है कि भाई चार्ज इज बिंग टू फ्रॉम फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इज अ साइड टिल देयर पोटेंशियल इज अ सेम विच इज द कॉल्ड द कॉमन पोटेंशियल इन सच केस. ओके, द कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q1 प्लस T2 अपॉन C1 प्लस C2 आएगा, क्योंकि आपका जो चार्ज का इक्वेशन होता है Q इज इक्वल टू CV फॉर द कैपेसिटर, तो उसके हिसाब से पोटेंशियल का इक्वेशन होगा Q अपॉन C, तो Q1 प्लस T2 अपॉन C1 प्लस C2 और Q1 इज इक्वल टू C1 V1 प्लस T2 C2 अपॉन C1 प्लस C2 आएगा. ठीक है, ध्यान आप रहे तो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिमेनिंग कंजर्व, आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कंजर्व होता है, चार्ज इज नॉट क्रिएटेड एंड नॉट द डिस्टॉर्ड ओनली फॉर इज अ ट्रांसफर ऑफ द वन बॉडी टू अनदर बॉडी. इफ द Q1 डैश एंड Q2 डैश इज बी द फाइनली चार्ज ऑन द टू कंडक्टर्स, देन Q1 डैश इज इक्वल टू C1V एंड Q2 डैश इज इक्वल टू C2V, सच दैट द टोटल चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2. इज ड्यूरिंग शेयरिंग द चार्ज देयर इज द सम लॉस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, जब आप चार्ज का कोई एक मिस्टेक शेयर कर रहे हो वन बॉडी में से अनदर बॉडी में आपका जो चार्ज का फ्लो होता है, तभी आपकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी आपकी लॉस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ द हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द लाइट एनर्जी विच इज द टर्न रीअपियर एज अ हीट और द लाइट. ठीक है, एंड देन द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, द डेल्टा यू इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी एंड देन माइनस द फाइनल एनर्जी, क्योंकि इनिशियल एनर्जी आपकी लॉस होती है और फाइनल एनर्जी आपकी लॉस्ट होकर कम हो रही है. ठीक है, तो C1 इंटू C2 अपॉन 2C1 प्लस C2 एंड V1 माइनस V2 का स्क्वायर, ये ऐसा आपका पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन बनेगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, क्योंकि ये दोनों आपका कैसे बना हुआ है, सीरीज में बना हुआ है, ये दोनों आपका सीरीज में बना हुआ है, सीरीज में उसका मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन होगा, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन, तो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 तो V1 माइनस V2 का स्क्वायर होगा. ठीक है, देन अप्रैल आएगा वन डेग्राफ जनरेटर, तो वन डायग्राफ जनरेटर एक डिवाइस होता है, वो डिवाइस का यूज आप करेंगे तो उसका पोटेंशियल की वैल्यू आप हाई फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो फिगर दे रखी है दिस इज अ वन डायग्राफ जनरेटर, दिस इज अ वन डायग्राफ जनरेटर, द वन डायग्राफ इज द 1931 डिवाइस इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर इन ऑर्डर टू द प्रोड्यूस इज हाई पोटेंशियल, उसका यूज होता है कि भाई हाई पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए, वो सीबी मीन के आपके गुजरात बोर्ड में सिलेबस में था ही, इन ऑर्डर टू 10^6 वोल्ट्स इट इज वेरी हाई वैल्यू. It is used to the accelerating the electron and other the charged particle is required to the study the nuclear reactions. It makes the use of the electrostatic phenomena while the functioning. If the charge conducting object has a sharp point on its surface, then the charge density is so high at this point that the surrounding air becomes highly conducting and the produce of corona discharges. If the charge the conductor is brought into the internal contact with the second hole of the conductor, all of its the charge is the transferred to the hollow conductor, no matter how the high either potential of the latter may be, thus the charge and hence the potential of the hollow conductor can be the rise and the either value by the substituting adding the charge to the by the internal contact. The limit is the set only the insulating difficulties. This is the figure of the one degree of generator. This is the two rotating pulley. One is the driving pulley and this is the driven pulley. So it is a non-metallic conductor belt. उसमें आपका यहाँ पे चार्ज आपका स्प्रे होता है, वो चार्ज ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके यहाँ पे उसका पोटेंशियल हाई हो गया, तो आपका जो पोटेंशियल ऑन दी सरफेस का जो पोटेंशियल था उसके हिसाब से इसका पोटेंशियल हाई हो जाता है, तो चार्ज ट्रैवलिंग करके ऑन दी सरफेस पे हो जाता है. ठीक है, तो उसका पोटेंशियल रिमेन क्या हो गया, कॉन्स्टेंट. ठीक है, इसी हिसाब से वो अंडरग्राउंड जनरेटर वर्क करता है. ओके.